हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। झाबुआ जिले की शानदार जनता को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। आज का वीडियो बनाने का जो सबसे खास कारण है, आज की जो हमारी परिस्थिति है कोरोना को लेकर, पूरे भारत देश में लगभग 8.5 लाख से ज्यादा केस आज हो गए हैं। हमारे झाबुआ में लगभग आंकड़ा 50 के पास पहुंच चुका है, और ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए, आगे हमें कैसे रहना है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और कोरोना के साथ में हमारा जीवन कैसे हमें निकालना है, ये आप लोगों से कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। अगर हम कोरोना की बात करें तो जब लॉकडाउन था, झाबुआ जिला काफी सेफ रहा। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दें, जो बाहर से ही आए थे तो कोई केस नहीं थे। और इसके बाद हुआ अनलॉक शुरू। अनलॉक शुरू होने के बाद हम लोगों को ये लगा कि ये तो बीमारी बड़ी सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, और लोगों ने बेतहाशा तरीके से काम करना स्टार्ट किया। अपने धंधे हैं, शॉप्स हैं, तो वहाँ कोई प्रिवेंशन नहीं है, कोई दूरी मेंटेन नहीं है, कोई मास्क नहीं लगाया, और सबको ये लगा कि हमारी तो इम्यूनिटी इतनी मजबूत है कि हमारे यहाँ कोरोना आ ही नहीं सकता। और आज हम देखें तो झाबुआ हो, राणापुर हो, पारा हो, थानला हो, सभी जगह एक साथ बम फूटना शुरू हुआ है। तो इसका उपचार क्या है? कुछ साथी बोलते हैं लॉकडाउन कर देना चाहिए वापस से, कुछ बोलते हैं कि नहीं चलने दो, क्या दिक्कत है। मेरा जो मत है वो ये है इसमें कि हमें अब इस बीमारी के साथ जीवन जीने की आदत डालना पड़ेगी, और इस बीमारी को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा सावधानी रखना है, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। जो WHO का अनुमान है, हमारे यहाँ ये केसेस की संख्या जो आज 8.5 लाख है पूरे देश भर में, वो कम से कम 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक जाएगी। तो आप इसी से इस बीमारी की भयावहता का, इसकी स्प्रेड का एक अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज है इस बीमारी में कि कोई भी जितने इन्फेक्ट हो रहे हैं, कम से कम अपन झाबुआ जिले की बात करें तो अधिकतर केस या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या बहुत हल्का सा उनको सर्दी या खांसी है। कुछ इक्का दुक्का को केसेस को छोड़ दें तो कफ की भी प्रॉब्लम हुई है, बाकी अधिकतर सर्दी में है या एसिम्प्टोमेटिक हैं। और अब तो वापस घर जाना शुरू हो गए हैं, तो इसी तरह से हमको इसमें यह ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन फ्री हो जाएं कि यार चलो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है और छोड़ दें। जो यंग ब्लड है या जो हेल्दी है या जो स्वस्थ है, वो तो जरूर रिकवर कर जाएगा, और अगर हमने थोड़ी लापरवाही करी तो हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे इसकी चपेट में आएंगे, उनको इसके दुष्परिणाम ज्यादा भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें आगे का जो लाइफ है, आगे का जो जीवन है, अगला 1 साल बहुत सावधानी से गुजारना है। आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो वायरल लोड है उस पर बीमारी का जो रिजल्ट है वो बड़ा डिपेंड करता है। वायरल लोड मतलब क्या? वायरल लोड का मतलब ये होता है कि जब किसी बंदे को इन्फेक्शन है या किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है तो उसको कितना इन्फेक्शन है, उसके बाद वो उसके आसपास हम लोग कितने उससे संपर्क में आए हैं, उससे हमें कितना वायरस मिला है, किस क्वांटिटी में मिला है, कम मिला है, ज्यादा मिला है, हमारा जो उससे संपर्क रहा है उसके हिसाब से कई बार उसमें वायरल लोड हमें मिलता है। इसीलिए हमने अभी देखा रिसेंटली कि कुछ केसेस ऐसे थे जो इन्फेक्टेड थे, मगर उनके एकदम जो क्लोज थे परिवार के लोग थे वो नेगेटिव आए हैं, पर जो थोड़ा सा दूर का था या कभी एक दो बार मिल के गया वो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो गया,
उसी तरह हमने अभी एक केस देखा जिसमें एक व्यक्ति को एक नाई ने मालिश की, मगर मालिश करने के बाद भी वो नाई इन्फेक्ट नहीं हुआ और एक दूसरा जो परिवार का व्यक्ति था वो इन्फेक्ट हुआ। तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि मान लो आपने उससे संपर्क में आए, किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आए, मगर आपने हाथ धो लिए तो पता चला कि उसका वायरल लोड कम हो गया, या वो प्रॉपरली अगर धो लिए तो वायरस खत्म ही हो गया, तो आप इन्फेक्ट नहीं हुए। सो इसी तरह से हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको ये मान के चलना है कि आप जिस भी किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं या आपकी शॉप पे अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसको कोरोना है और उससे हमको बचना है। तो उसके लिए आप जो भी प्रिवेंशन ले सकते हैं वो लीजिए। मैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको कि अभी आजकल अगर आप में से ईश्वर ना करे कोई बीमार हुआ हो या गया हो तो उसने ये देखा होगा कि हम लोग डॉक्टर्स जो हैं वो किसी को हाथ नहीं लगा रहे हैं, है ना, दूर से ही देख के और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो रहा है तो ही उसका बीपी देखना है या उसका एग्जामिनेशन है, ये कर रहे हैं। मगर वहीं आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो बड़ा उसको सब खोल के, क्या किसी चूड़ी वाले की दुकान पे जा रहे हैं तो बढ़िया पिना के दिखा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग डॉक्टर से सीखें कि भाई जब हम लोग ही इतना प्रिवेंशन रख रहे हैं कि मरीज से इतना दूर हैं कि उसको देख नहीं रहे हैं, हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसा आप लोग भी थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि आप जो भी व्यक्ति आपके सामने आया है वो कोरोना पीड़ित है और उससे हमको कोरोना लेने से बचना है। तो उसके लिए कुछ चार मूलभूत चीजें जो सरकार काफी समय से बता रही है मगर हम फिर भी फॉलो नहीं करते हैं। मास्क हर एक व्यक्ति के चेहरे पे होना चाहिए, हाथ नियमित रूप से धोना है आपको, अगर किसी से टच में आए हैं तो जरूर धोना है, 6 फीट की दूरी प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी जितना हम दूर रहेंगे उतना हमारा इन्फेक्टेड होने का चांसेस कम रहेगा, तो 1-2 गज की दूरी का जो नॉर्म दिया है जितना भी दूरी आप रख पाए एक दूसरे से उतना रखने की प्रयास करें। बाकी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको हम लोग फॉलो करेंगे और मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉकडाउन किसी भी तरह से इस बीमारी से लड़ने का कोई तरीका नहीं है, हमें सिर्फ सावधानियां रखना है और जितना हम बच सकते हैं उतने बचने का प्रयास करना है और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना है। उसके लिए योगा करें, एक्सरसाइज करें, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं लीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन हैं लीजिए और जो भी आप बेस्ट अपने एक मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखिए। बहुत सारे देख रहा हूँ मैं आजकल के मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ कलीग्स हैं, कुछ पेशेंट्स हैं, सबके कॉल आते रहते हैं, सर क्या होगा, तो डरना नहीं है, लड़ना है और हम इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे, मुझे विश्वास है। जितनी समझदारी दिखाएंगे उतना अच्छा होगा। बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से, सी यू सून। सभी लोग अपना ध्यान रखें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।